परिवार के सबसे पहले तो अंजना सिंह के प्रणाम बा। ग्लेज 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 व्हाट अ कंपनी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ग्लेज परिवार में आके इसका सदस्य बन के, और बहुत जल्दी डायरेक्टर भी बनूंगी। एंड आई नो कि जो भी फ्रंट रो में बैठे हैं उन्होंने बहुत तालियां अपने लिए बजवा ली, मुझे तो तालियां पीछे वालों के लिए चाहिए चाहिए ना। तो शुरुआत ग्लेज में आज से ही है मेरी, मैं भी वो जो पीछे सब खड़े हैं ना, आप सब लोगों के साथ ही हूँ, बस फर्क इतना है कि थोड़ी सी खास हूँ इसलिए इस मंच पे हूँ, पर मैं आप सभी के साथ में हूँ। एक बार जो सब पीछे है हमारे ग्लेज परिवार के सदस्य, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो वहां से यहाँ का सफर बहुत ज्यादा नहीं है, वहां से इस मंच तक का सफर बहुत ज्यादा नहीं है। अरे आज जो आके लाल पीले नीले कोट पहन के बैठे हैं, आप उनसे भी आगे आके बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना। तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? अरे हम बिहारी हैं भाई, अब पटना बिहार वाला ज्यादा समय ना ले ले। आप सभी लोगों को मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, स्टार्स, सभी ने मुझे ग्लेज के बारे में बताया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ग्लेज परिवार में आई हूँ, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थैंक्स टू ग्लेज डायरेक्टर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सारे क्या हुआ भोजपुरी में बोलूँ? अरे हमरा के बहुत नीक लागेला, हम ग्लेज परिवार में आयल बानी। आज सबसे ज़्यादा अच्छा लागेला कि हम आज पटना में आयल बानी। तो हम भी आज से ग्लेज के मेंबर बानी, और रउआ लोगन के जैसे हम भी ग्लेज के प्रोडक्ट यूज़ करब। अभी अभी थोड़ी देर पहले आनंद मोहन जी आयल रहने मंच पे, कुछ अपना बुढ़ी बुढ़िया के लिए गाना गावत रहलन, तो हम बैक स्टेज में थे तो हम सुन रहे थे कुछ नया क्रीम आया है ग्लेज का, स्ट्रेस फील समथिंग, तो वो जाके पीछे लगा रहे हैं या खा रहे हैं पता नहीं, कुछ तो कर रहे हैं। वो बोले बहुत जल्दी स्ट्रेस जा रहे हैं, ग्लेज परिवार का इतना प्यार पाके उनको स्ट्रेस हो गया है, बोले इतना प्यार मैं कहाँ रखूँ। तो वो आपकी जो क्रीम है या वॉट एवर इट्स अ स्ट्रेस फील, वो खा रहे हैं या लगा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। आनंद जी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और है हमारे पास, है ना, है ना। तो क्या किया जाए, अब पटना वालों के लिए एक शायरी हो जाए, हो जाए कि हंगामों के दौर में दिल का शर्मानों की बात चली, वाह वाह चाहूंगी। हंगामों के दौर में दिल का शर्मानों की बात चली, और नाम सबसे पहले मेरे पटना वालों का आया जब दीवानों की बात चली। थैंक यू सो मच, आप लोग, मुझे कहा गया कि यहाँ बहुत मेहनत करके ग्लेज ने ये परिवार बनाया है, इतना प्यारा इतना खूबसूरत परिवार है आपका, और इस परिवार की संख्या और बढ़ती ही जा रही है। तो मेरी बेस्ट विशेज है ग्लेज को अंजना सिंह की तरफ से कि ये परिवार इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि जब आप लोग निकले एक साथ तो ये ग्लेज इंडिया परिवार बोला जाए कि भाई ग्लेज इंडिया है, कहीं भी जाएं आप लोग। तो मैं एक बात और बोलूंगी ग्लेज के लिए, ईस्ट टू वेस्ट ग्लेज इज द, ईस्ट टू वेस्ट ग्लेज इज द। तो आप परफॉर्मेंस करूं, पहले सब लोग अपना अपना मोबाइल ऑन कर लीजिए, तब पता चलेगा ग्लेज वाले कितने एक्टिव हैं, सबके फ्लैशेस दिखने चाहिए मुझे, मुझे तब पता चलेगा आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं।
मुझे सारे फ्लैश दिखने चाहिए क्योंकि आजकल एंड्रॉइड बहुत चल रहा है, मुझे सबके फ्लैश दिखने चाहिए। ग्लेस परिवार कितना एक्टिव है मुझे पता चलना चाहिए।